हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना घातांक और करणी का टॉपिक स्टार्ट किया था। दो क्लासेज हम कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो किस किस तरह के सवाल इस टॉपिक से बनेंगे वो सारे हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो सवाल है, इस बार हम आगे जो हमारा जो लेवल बढ़ा रहा है, अब पीछे वाली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा हमने कई तरह के सवाल किए। सारे के सारे सवाल जो हैं एसएससी के पेपरों में रिपीटेड सवाल हैं, और हो सकता है कि आगे भी आपका कोई पेपर आए उसमें सेम टू सेम सवाल देखने को मिल सकते हैं। एचएसएससी कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। घातांक और करणी के टॉपिक से बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। जिस दिन मैराथन क्लास करवाऊंगा उस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और प्यारे बच्चों अपने टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। वहाँ पर हर टॉपिक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जिस दिन ये टॉपिक पूरा हो जाएगा इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस को लगाकर देख लेना आपकी तैयारी कैसी है। तो पीडीएफ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम है एचएसएससी अड्डा। और उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो देखते हैं सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों हमें -0.2, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, -0.2 का स्क्वायर। आगे क्यूब है और आगे उसकी पावर 4 है। मैं सबसे छोटी मैंने निकालनी है, यहां पर क्या होगी -0.2 का क्यूब और -0.2 की पावर 4। हमें प्यारे बच्चों यहां पर क्या करना है, देखो समझने की बात है, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों हमें यहां पर इन सभी सवालों में से, ये चार हमें वैल्यू दी हुई है, इन चारों वैल्यू में से हमें ये बतानी है कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है और कौन सी सबसे बड़ी है। किसी तरह का भी सवाल पेपर में आएगा, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब हमें बेसिकली पता होना चाहिए भी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से। तो ये तो हमारा हो गया 0.2, अब इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इसकी बात अब मैं करूं तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.04। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब 0.2 को 0.2 से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, गुणा 0.2, दोनों माइनस के होंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, दशमलव कितने छोड़ के 1 और 1 2, तो 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस तीसरे वाले की, तो 2 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों 8, और यहाँ पर दशमलव कितने के बाद लगेगी, 3 के बाद लगेगी, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं प्यारे बच्चों, 0.008, ये हमारा हो गया। अब समझने वाली बात है, ये क्यूब में दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमने स्क्वेयर में थे तो 2 बार ही मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा माइनस का साइन यहाँ से हट गया था। लेकिन जब क्यूब में आएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार का तो गायब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन तीसरी बार का बचेगा और वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी माइनस की वैल्यू का जब हम क्यूब करते हैं प्यारे बच्चों तो वो हमारा माइनस में ही आंसर आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 16 के इक्वल, और यहाँ पर हमें कितने छोड़ के दशमलव लगानी पड़ेगी, यहाँ पर अगर पावर 4 दी हुई है तो 4 छोड़ के लगाएंगे, तो 0.0, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब ये प्लस की हो जाएंगी क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार 2 बार मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझो प्यारे बच्चों, अब इनमें से हमें ये बताना है, एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन चारों में से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी प्यारे बच्चों, समझो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी वैल्यू हमारी माइनस के अंदर जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो वैल्यू हमारी उतनी ही छोटी होगी। माइनस के अंदर अगर मैंने लिखा 7 और माइनस के अंदर अगर मैंने लिखा 2 तो मेरी बड़ी वैल्यू कौन सी होगी प्यारे बच्चों, बड़ी वैल्यू होगी माइनस के 2, और छोटी वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वैल्यू होगी माइनस के 7। मतलब क्या होता है, माइनस में हमारा उल्टा होता है, जितनी बड़ी वैल्यू हमें दिखाई देगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर अब देखो प्यारे बच्चों, हमें सबसे छोटी निकालनी है तो माइनस के अंदर जो सबसे बड़ी होगी वो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो 0.2, क्या ये 0. माइनस के 0.2 इससे बड़ा है या नहीं है प्यारे बच्चों, देखो माइनस के 0.08 और माइनस के 0.2, तो ये हमें बड़ा नजर आ रहा है, और जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, माइनस के 0.2, ठीक है, ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें, सबसे बड़े नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नंबर तो वो तो प्लस पॉजिटिव वाले नंबरों में से ही आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, कौन सा हमारा बड़ा हो सकता है सबसे, तो ये ऑप्शन हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे 0.04, ठीक है, और इसको लिखेंगे तो 0.0016,
अब यहाँ पे साफ नजर आ जाएगा आपको कि कौन सा बड़ा है। अगर यहाँ पर इसके आगे मैं दो जीरो और लगा दूँ, इन दोनों को इक्वल कर दूँ, कितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो पूरे कर दूँ, तो यहाँ पर ये तो हमें 400 नजर आ रहा है और ये तो हमें 16 नजर आ रहा है। तो जो बड़ा नजर आएगा प्लस में तो वही हमारा बड़ा हो जाएगा। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहा गया है। यहाँ पर किसी भी तरह का घातांक और करणी का सवाल आप लोगों का मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे किसी भी पेपर में चले जाना आप। मैं सिर्फ एचएसएससी के पेपर की बात नहीं करता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि एचएसएससी का कोई स्पेशल वो नहीं है कि घातांक और करणी एचएसएससी कोई अलग तरह के सवाल पूछेगा। किसी चीज़ के ऊपर अगर मैं सवाल, मान लीजिए अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है, यही है शॉर्ट साइड इंडाइसिस का, इसके ऊपर मैंने लिख दिया एचएसएससी, तो क्या प्यारे बच्चों वो सवाल उसके अपने रेलवे के पेपर में नहीं आएंगे, एचएसएससी के पेपर में नहीं आएंगे? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो, सारे पेपरों में सवाल सेम ही आते हैं। वो हमारा देखने का नज़रिया होता है, हमें एक चीज़ की हमारे अंदर जब से ये यूट्यूब आया है ना प्यारे बच्चों, और जब से ये डिजिटल हुए हैं सारी चीज़ें, तब से ना आप लोगों को एक आदत ख़राब बन गई है। आप लोगों को सिर्फ थंबनेल देखने की आदत है, आप लोगों को ये देखना नहीं है कि उसके अंदर क्या है। आप लोगों को सिर्फ एक तो थंबनेल देखना होता है और एक देखना होता है वीडियो की लेंथ कितनी है, और आप लोगों को ये नहीं देखना होता कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। इस वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। सभी बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पेन कॉपी साथ लेकर बैठे होंगे और इन सवालों का आंसर साथ के साथ देने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक्स की पावर यहाँ पर करणी 5 है और एक्स की पावर दी है माइनस के 3/5। ठीक है भाई, आगे क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आगे दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर देखे पावर माइनस के 5/3। ये ब्रैकेट के अंदर है और पावर माइनस के 5/3। अब यहाँ पर उसने आगे एक और ब्रैकेट दी है, बड़ी ब्रैकेट है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है और बाहर क्या लिखा है, बाहर है पावर इसकी 5 इसकी पावर है। अब हमें ये सिंपलीफाई करना है कि इसका जो सिंपलीफिकेशन हम करेंगे इसकी, तो वो किसके इक्वल होगी। चार ऑप्शन मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दोगे इस सवाल का। तो भाई जल्दी बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, तो हमें बताना है। यहाँ पर आंसर आएंगे x की पावर माइनस फाइव और x और 1/x। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपलीफाई करना है, इन द एंड हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस इतने पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ, करणी कितनी दी हुई है 5। मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, जब भी ये चीज़ करणी में दी होगी ना, तो ये इसकी चीज चाहे एक भी पावर ना हो, ये बटे में होती है हमेशा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस के 3/5 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जो करणी है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/5 लिखनी पड़ेगी, 1/5 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑलरेडी एक पावर दी हुई है, तो ये 1/5 होता है। क्योंकि हमने क्या किया था, जिस तरह से अगर इस तरह से 5 होता तो उसकी पावर क्या हो जाती थी हमारी, 5 की पावर 1/2 हो जाती थी ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 5 दिया होगा तो पावर 1/5 हो जाएगी। बस यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरह के सवाल पेपर में आएंगे और इन्हीं में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों हमारा, ये बन जाएगा माइनस के 3/25। बोलो, हाँ आगे आते हैं हम। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, ठीक है भाई, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, माइनस के 5/3। ठीक है भाई, माइनस के 5/3 कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर लगा देते हैं भाई माइनस के 5/3। अब ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैंने कहा था जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी उसकी पावर होगी, और फिर ब्रैकेट के बाहर भी पावर होगी, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब माइनस के 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस सबसे पहले जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 5 पे जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया प्यारे बच्चों, एक्स की पावर 1/5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बाहर क्या दिया हुआ है, बाहर आ गए हम यहाँ पर, तो एक्स की पावर कितनी दी हुई है 5। 1/1 स्टेप्स अगर सोल्व करते जाओगे, इतना टाइम नहीं लगता इन सवाल लोगों को करने में जितना यहाँ पर लग रहा है। बोर्ड पर मुझे एक एक स्टेप आपको समझाना पड़ता है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना, तो ये सवाल मात्र 10 सेकंड में करोगे आप। 10 सेकंड तो ज़्यादा बता दिया मैंने, 5 सेकंड में करोगे आप। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो 2 घंटे में भी नहीं होगा, ये भी मान लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स की पावर 1 बच गई, और एक्स की पावर 1 किसके इक्वल होगी प्यारे बच्चों, एक्स के इक्वल होगी। तो हमारा तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखो एक और बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जिस तरह से ये डी ऑप्शन दिया हुआ है उसने 1/x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स के पावर माइनस के 1।
आप लोगों को मैंने बहुत बार ये चीज समझाई है, कई बार इस तरह से भी दे सकता है वो। एल्जेब्रा के अंदर इस तरह के सवाल बनते हैं, एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो हमें बताओ एक्स का स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स का स्क्वेयर। जिस दिन एल्जेब्रा की क्लास होगी ना, ये सारी चीज़ें बताऊंगा कैसी कैसी ट्रिक इनके अंदर लगती हैं। तो भाई आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आती है ना प्यारे बच्चों, तो यार थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बाकी मर्जी है तुम्हारी, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आगे कौन सा सवाल है भाई? वन बाई टू, एक बटा दो दिया हुआ प्यारे बच्चों, और ये ब्रैकेट के अंदर है, और बाहर क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसके पावर दी है इसकी वन बाय टू माइनस के, और हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। और ऑप्शन हमारे सामने है वन बाय रूट टू, रूट टू माइनस के रूट टू, और माइनस के वन बाय रूट टू। ठीक है, ये चार ऑप्शन है भाई, इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो बताओ भाई जल्दी से सोल्व करके, हालांकि आसान चीज़ है बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आसान हो या मुश्किल हो, मैं हर बच्चे को ये समझ के चलता हूँ यहाँ पर कि भाई उसको कुछ नहीं आता है। मेरा काम है बेसिक से बताना, आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना, मर्जी आपकी है, मेरा काम पूरा हो रहा है। देखो प्यारे बच्चों, बात यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों को ये सवाल करवा रहा हूँ ऑन बोर्ड, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस पहले ही बहुत ज़्यादा है इन सवालों की, मुझे ये सवाल बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं मुझे इनकी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ये सवाल ऑलरेडी फिक्स है, इनके आंसर भी मुझे तो याद है, मैं सच बताऊँ आप लोगों को तो, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी कर लिया तो याद हो जाती हैं चीज़ें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप जितनी बार भी मुझे ये सवाल रिपीट करने के लिए बोलोगे ना, उतनी बार मेरी तो मेहनत एक्स्ट्रा होती जाएगी, और मेरा तो इनके लिए और ज़्यादा लेवल बढ़ता जाएगा, अपने आप ये चीज़ें मेरे लिए और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। वही बात आपके साथ है, अगर आप इन सवालों को दो से तीन बार करने की कोशिश करोगे तो आपकी भी क्लियर हो जाएंगे, अगर आप एक बार भी नहीं करने की कोशिश करोगे तो कभी क्लियर नहीं होंगी। आपका काम होता है, आप आराम से बैठते हो, वीडियो देखते हो, ऐसे चल रहे टन 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 वीडियो चल रही है, अरे क्या है, कैंसिल, नेक्स्ट करो, ठीक है। उससे कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि भाई हर टीचर गलत पढ़ा रहा है, लेकिन मैंने एक दिन एक बात कही थी आप लोगों को कि मैंने देखा है कम से कम 50 चैनल होंगे जो HSSC की तैयारी करवा रहे हैं, उनमें से मात्र 4 से 5 चैनल ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी कहते हो फिर माता का माड़ है। अब आप देख लो, आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो या भीड़ से अलग चल रहे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों भीड़ क्या होती है, भीड़ आपको साहस, इंसान को साहस तो देती है, लेकिन वो आपसे आपकी पहचान छीन लेती है, तो इसलिए आप सोचो और समझो इन चीज़ों को, आपके काम आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई इस सवाल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पर माइनस में पावर दे दी, तो माइनस में पावर तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, दो की पावर माइनस, दो की पावर वन बाई टू हो जाएगी, अब तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। और दो की पावर वन बाई टू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो हमारा रूट के अंदर आएगा, तो यही आंसर हो गया हमारा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। बोलो हाँ हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना आसान सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन था। कमेंट करके बता दिया करो भाई अगर चीजें समझ में आए या ना आए, ताकि फिर मैं आगे ना उन चीजों के ऊपर काम कर पाऊं। कई बार होता है कि चीजें आपको समझ में ना भी आए, आप लोग वीडियो पूरी देखो या ना देखो वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मत देखो वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सवाल हो गया हमारा, अब नेक्स्ट सवाल देखो, बेहतरीन सवाल, अब तुम लोगों के लिए होमवर्क का सवाल आ गया है, ठीक है। 10 की पावर, थोड़ा बड़ा सा करके लिख देता हूँ मैं, 10 की पावर 0.48, ठीक है, 0.48 है ये पावर, और आगे दिया है बराबर है x, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है y किसके बराबर है प्यारे बच्चों, y बराबर है 10 की पावर 0.70, आगे दिया हुआ है हमें x की पावर z इज इक्वल टू y का स्क्वेयर, ठीक है भाई, और आगे क्या दिया हुआ हमें, तो यहां पर हमें z का मान निकालना है, ठीक है, हमें यहां पर बताना है भाई z किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, 1.45, 1.88, 2.9, 3.7, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया,
जो बच्चा इस सवाल को कर गया ना, वो कभी घातांक और करणी के टॉपिक में नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। आज लिखवा के ले लेना मुझसे, तो मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन क्यों दिया जाता है आप लोगों को, इससे आप लोगों की काबिलियत का पता चलता है, आप लोग कितने सवाल करते हो। मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो के अंदर इससे पता चलता है, अगर जो बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं उन बच्चों की तैयारी और अपनी तैयारी को कभी भी जिंदगी में जब मन करे ना उस दिन मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि उनके अंदर और आपके अंदर क्या डिफरेंस है। और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, या फिर उसको एक ऐसा भी एक चांस ये भी हो सकता है, मैं उन बच्चों को भी गलत नहीं बोलूंगा कि भाई आपको आंसर पता है, आपने सवाल सोल्व कर लिया, बस आपने कमेंट नहीं किया, वो एक अलग मैटर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए ये कह रहा हूँ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर आए, ताकि मुझे पता चल जाए भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो रियलिटी में मेहनत करना चाहते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो टाइम पास करना चाहते हैं। और टाइम पास करोगे ना तो 2-4 नंबरों से रहोगे पेपर में, और अगर रियलिटी में मेहनत करोगे ना तो 2-4 नंबरों की लीड लेकर जाओगे पेपर में, ये मेरा वादा है आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो इसका, देखते हैं कितनों की अंतरात्मा जागेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए 9 की पावर 6 प्लस 1, और आगे क्या दिया हुआ है, यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाए तो हमें बताना भाई रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, हमें रिमाइंडर बताना है। अगर ऑप्शन है हमारे सामने 0, 1, 2, 3, ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, ये चार ऑप्शन है हमारे सामने, हमें यहाँ पर बताना है 9 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 8। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको ट्रिक से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला बता दूंगा, दोनों तरीकों से ये सवाल हो जाता है। और इस तरह का सवाल HSSC के पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस दिन मैराथन क्लास होगी ना उस दिन पता चल जाएगा। तो चलिए भाई, इस सवाल में देखो क्या कहा है उसने, 9 की पावर 6 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 9 की पावर 1 को लिखो, 9 की पावर 1 कितना होगा प्यारे बच्चों, 9। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब लिखो 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 81। अब इसको 8 से डिवाइड कर लो, ये बिल्कुल आसान तरीका होता है सवाल को करने का। तो अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 2 = 80, और बचेगा कितना, 1, रिमाइंडर 1। अब 9 का क्यूब करके देख लेते हैं हम, 9 का क्यूब कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा कितना, 729, और डिवाइड बाय 8, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, 9 की पावर 4 को करेंगे 8 से डिवाइड तो भी 1 आएगा, 9 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, इस तरह से 1 ही रिपीट होता रहेगा हमारा। इन द एंड क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारा 9 की पावर 6 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अगर इस 9 की पावर 6 को मैं डिवाइड करता हूँ इस 8 से, तो रिमाइंडर कितना आता है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आता है मेरा 1। और ये 1 और भी तो बचा हुआ है मेरा साथ में, ये 1 प्लस में भी तो दिया हुआ है, इसको भी प्लस कर लेते हैं, ये भी 1 प्लस कर लेते हैं, तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 2 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया भाई, लो स्क्रीनशॉट इस सवाल का, अब दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को। देखो भाई क्या कहा उसने, ये सिर्फ इस सवाल में लागू नहीं होगा, ये हर एक सिंगल सवाल में लागू होगा, लेकिन कई बार क्या होगा, ये सवाल हमारे रीच से बाहर हो जाएगा, उस टाइम पे हमें फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से 9 की पावर 6 दी हुई है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, 9 की पावर 6, मतलब सिंगल डिजिट डबल डिजिट कुछ भी हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर 62, 63 कुछ भी हो सकता है, आगे आएगा एक सवाल इस तरह का। तो 9 की पावर 1 को हमने डिवाइड करके देखा, जब मैं 9 को डिवाइड करूंगा तो 1 शेष, 81 को डिवाइड करूंगा तो फिर 1 शेष, 729 को डिवाइड करूंगा तो फिर 1 शेष, मतलब क्या है, 9 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही शेष आएगा, लेकिन ये 1 और एक्स्ट्रा दिया हुआ था, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 शेष हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अब तो उम्मीद करता हूँ इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह का सवाल पेपर में फंसा और तुमने धड़ से किया, ठीक है, वहीं पर आगे निकल जाओगे। अगर तुमने इस तरह का सवाल पेपर में देखा और कर दिया तो वहीं आगे निकल जाओगे दूसरे बच्चों से। अब आगे आता है हमारा सवाल नंबर भाई 30, x की पावर 13 प्लस 1, देखो कितना बेहतरीन सवाल है, 13 प्लस 1, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है प्यारे बच्चों, x-1 से इसको डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा, x-1 से इसको डिवाइड करना है तो हमें बताना है इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा भाई रिमाइंडर से अंदर। ऑप्शंस देख लेते हैं आपके, 10, 10, -1 और 2, ये तीन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो भाई क्या होगा, देखो
मैंने इस तरह के सवाल आप लोगों को करवाए थे। ये सवाल हमने एक तो क्यूबिक इक्वेशन वाले सवाल में किया था, और जब मैंने पॉलिनोमियल्स की क्लास करवाई थी ना, वहाँ से ये सवाल आया हुआ है। मेन तो ये पॉलिनोमियल्स का सवाल है, ठीक है। मैंने कहा था जब भी एक्स माइनस वन से हमें कोई चीज़ डिवाइड करने को कही जाए ना, तो इसको इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स हमारा वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की पावर 13 + 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर पुट करेंगे, 1 की पावर 13 + 1 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 2। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बोलो हाँ। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अगर इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो मतलब आपने पॉलिनोमियल्स की क्लास नहीं देखी है। तो उसको देख लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं देखोगे तो कभी दिक्कत दूर भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो कितना बेहतरीन सवाल है, ये वाला आ गया सवाल, फंसेगा ये पेपर में। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों? इसको हमें 68 से डिवाइड करना है, 68 से डिवाइड करना है। तो हमें बताना भी रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई हमें यहाँ पर रिमाइंडर बताना पड़ेगा कि क्या होगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे 1, 63, 67 और यहाँ पर ऑप्शन हमारे 66, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इस सवाल को करना है। इस सवाल को सॉल्यूशन जल्दी से बता दो भाई, इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को कर सकते हो, कितनी देर में कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जल्दी बताओ भाई, चलिए मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा हमारा, x की पावर n प्लस a की पावर n डिवाइड बाय x प्लस a, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर यहाँ पर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। यदि n हमारा जो है, n क्या है हमारा, n इज a ओड नंबर। अब कहेंगे गुरुजी ये ओड नंबर क्या होता है, तो ओड नंबर होता है विषम संख्या, ठीक है भाई। तो यहां पर n हमारा विषम संख्या होनी चाहिए। अब मैं n भी बताता हूं क्या होगा, n होता है हमारा ये वाली पावर, ठीक है। और x प्लस a का मतलब क्या प्यारे बच्चों, ये जो 68 है ना, हमें इसके दो ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि वो हमारा क्या हो, 68 हो, ठीक है, और इस फॉर्म में भी आ जाए। तो यहां पर 68 के जैसे x इक्वल टू ले लिया हमने 67, और a हम क्या लेंगे यहां पर, a हम लेंगे 1, और n हम क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 68 आना चाहिए x और a का, तो ये 67 हो गया, ये 1 हो गया, और n हमारा क्या होगा भाई, n होगा हमारा यहां पर 67। यहां पर पावर लेंगे हम n को, ठीक है, n हमारा पावर हो जाएगा। तो इसको हम आगे किस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में जैसे ही मैंने लिखा इसको, x की वैल्यू 67 है ना, 67 की पावर 67, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू लिखनी है। अब इसके ऊपर बात आ गई हमारी ये चीज निकालने के बाद, प्लस ए हमारा कितना है 1, 1 की पावर कितनी है भाई 67 डिवाइड बाय यहाँ पर 67 प्लस 1 कितना हो जाएगा 68। ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, इतनी अगर वैल्यू हमारे पास दी होती ना तो हम कह देते भाई रिमाइंडर हमारा क्या है भाई, रिमाइंडर हमारा जीरो है। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमें 67 दिया हुआ है। अब 67 दिया है तो ये तो भाई सोचने वाली बात है, क्योंकि या तो हमने ये तो इसकी बात की है, अगर ये इस तरह से लिखा होता ना 67 की पावर 67 प्लस 1 डिवाइड बाय 68 रिमाइंडर क्या होगा, निकाल देते भाई हम, ये जीरो है इसका तो रिमाइंडर। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भाई 67 दिया हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस में 66 और दिए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि एक की पावर 67 आप लिखोगे, एक की कोई भी पावर कर लो तो वो एक ही रहता है हमेशा, एक की पावर जीरो से लेकर कोई भी नंबर कर दो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 66 एक्स्ट्रा नंबर दिए हुए हैं, और ये इतना पार्ट क्या है, ये 68 से डिविजिबल है, लेकिन ये वाला पार्ट डिविजिबल नहीं है, तो यही तो हमारा रिमाइंडर है भाई, है भाई, ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर है। इस तरह के सवाल और भी बनेंगे, एक स्पेशल क्लास इनके ऊपर करवाऊंगा मैं, या तो नेक्स्ट या फिर उससे उसके बाद एक क्लास ऐसी, बिल्कुल इस तरह के जो सवाल होंगे ना, 12 10 12 सवाल लूंगा मैं उस क्लास के अंदर,
तीन चार फार्मूले हैं, वो फार्मूले भी समझा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि भी पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए। HSSC इस तरह के सवाल पूछ चुका है, मैंने दो तीन सवाल इस तरह के देखे हैं जब प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF में तैयार कर रहा था, वहाँ पर मैंने देखे हैं इस तरह के सवाल। तो उम्मीद है आगे भी आ सकता है, और खासकर पुलिस के पेपर में जरूर आ सकता है इस तरह का सवाल। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन और यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यदि n जो है हमारा, n ये है हमारा, अगर ये ओड नंबर दिया होता है तो यहाँ पर हम इस तरह से इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये हमारा जो 68 है ना, इसको दो टुकड़ों में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये x प्लस ए आ जाए, ये वाला भी सेम रहे और ये वाला भी सेम रहे, और इनका मतलब इसके अकॉर्डिंग फिट बैठ जाए ये सारी चीज़। तो यहाँ पर हमारा ये अपना इसके डिविजिबल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस सवाल को पूरा सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब प्रैक्टिस करोगे तो सवाल समझ में आएंगे, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भाई नहीं समझ में आएंगे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये की बात। अब मैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के तुम्हारे पेपर में बैठ के तो सवाल कर नहीं सकता ना, तो जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सवाल नहीं समझ में आएंगे, और इतने आसान भी नहीं होते हैं और इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी बड़ा सयाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, यदि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इस प्रकार हैं कि ए की पावर बी इज इक्वल टू 125, आगे क्या दिया है, तो हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, और पावर इसकी क्या दी हुई है, ए प्लस बी माइनस फोर, ए प्लस बी माइनस फोर, ठीक है भाई, हमें ये निकालना है ये किसके बराबर होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन क्या है, 16, 28, 25, 30, 16, 28, 25, 30। हाँ भाई, कोई माइकल लाल है जो इस सवाल को सोल्व करेगा, कोई माइकल लाल जैक्सन, माइकल जैक्सन, माइकल लाल जैक्सन करेगा सोल्व? कम ही उम्मीद है तुम लोगों से, मैं करता हूँ सोल्व इसको। तो यहाँ पर देखो भाई, ऐसे यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए कि आंसर 125 आ जाए, और ए जो है वो वैसे तो उसने बोला नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ए में से अगर बी माइनस करेंगे तो ए बी से बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए की पावर फिट बैठेगी 5 का क्यूब 125, ठीक है भाई, 5 का क्यूब 125, तो ए बराबर हो जाएगा 5 और बी बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 5 में से 3 गए 2, 2 की पावर यहाँ पर ए की जगह पे 5 और यहाँ पर 3, 5 और 3 कितने होंगे भाई 8, 8 में से 4 गए 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4 हो जाएगी हमारे 16 के इक्वल, ए ऑप्शन हमारा आंसर। कॉमन सेंस अगर होगी तो लगाओगे, नहीं होगी तो कहाँ से लाओगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर सवाल समझ में आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही लाइव क्लासेज लेकर आऊँगा इन सभी टॉपिक्स की, अब लाइव होंगे तो जल्दी रूबरू होंगे आपसे, हर आपका कोई भी डाउट होगा साथ के साथ मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज डाउट ऑफलाइन क्लास में भी नहीं रहना चाहिए, ऑफलाइन क्लास में आप लोगों का टाइम सेव होता है और लाइव क्लास में आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब दो पार्ट और बनेंगे इस टॉपिक के, दो पार्ट के बाद हमारा घातांक और करणी फिनिश, हमारा घातांक और करणी का टॉपिक तो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे फिर। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, टेलीग्राम में जुड़ जाना PDF चाहिए तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो जुड़ने के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।